मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं, कल दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के टिकट पर मोहर लग सकती है कल। हिमाचल प्रदेश में अभी कांग्रेस की तरफ से 2 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाना है और 6 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उस पर अभी तक टिकट का ऐलान नहीं हुआ है, टिकट फाइनल नहीं हुए, तो उस सिलसिले में मुख्यमंत्री का ये दिल्ली दौरा रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए लगातार मेरे वरिष्ठ सहयोगी और हमारे ब्यूरो शिमला जुड़े हुए प्रदीप ठाकुर। प्रदीप, तो कल हम ये मानकर चलें कि कल कांग्रेस की टिकटों की तस्वीर साफ हो जाएगी, ऐलान हो सकता है, और कौन कौन से नाम हिमाचल प्रदेश में दोनों लोकसभा सीटों पर और 6 जो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें नाम इस वक्त सबसे आगे नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, एक लंबा इंतजार हो गया है और इसमें जो 6 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और 2 लोकसभा की सीटें हैं उनके लिए टिकटों का ऐलान होना बाकी है, तो इंतजार अब लंबा होता जा रहा है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कल मुख्यमंत्री का जो दिल्ली दौरा है इसी से जुड़ा है और अहम दौरा ये इसको हम कह सकते हैं, और वहां पर चर्चा भी होगी और उसके बाद समझौता सूची कल जारी भी की जा सकती है, या फिर जहां उनको लगता है कि अभी हमें थोड़ा और मंथन करना है और जो है कोई कैंडिडेट देखने हैं जिताऊ उम्मीदवार उनको लेकर अभी और चर्चाएं करनी है पार्टी के स्तर पर, ये सारी चीजें देखनी है, सारे जातीय क्षेत्रीय समीकरण देखते हैं, तो फिर हो सकता है कि एक लिस्ट बाद में भी आए, लेकिन कल इंतजार किया जा रहा है कि कल का इंतजार सभी को है कि 2 जो लोकसभा सीटें हैं हमीरपुर और कांगड़ा, यहाँ से किसका नाम आगे आता है। चर्चाएं पहले से चलती रही, कांगड़ा सीट की अगर हम बात करें तो आशा कुमारी के नाम को लेकर भी चर्चाएं थी, संजय चौहान वहां के कांग्रेस लीडर हैं उनके नाम को लेकर भी चर्चाएं थी, लेकिन बाद में नाम ये सामने आया कि क्यों ना विधायक को यहाँ से भी चुनाव में सामने उतारा जाए, तो RS बाली का नाम यहाँ पर प्रमुखता से आया और उनके साथ साथ भवानी सिंह पठानिया का नाम भी प्रमुखता से आया, क्योंकि जो RS बाली हैं उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बकायदा पत्र लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि जो मुझे मैंडेट मिला है वो एक विधायक का मैंडेट मिला है और मैंने कुछ वायदे किए थे लोगों से वो मुझे पूरे करने हैं वहां पर, और मुझे पता चला है कि मेरा नाम जो है यहाँ पर कैंडिडेट के तौर पर प्रत्याशी के तौर पर चर्चा में आया है, लेकिन जब भी कोई फैसला करना हो तो मुझे जरूर इसके बारे में पूछा जाए एक बार कि मेरा मत क्या है, मेरी बिलिंग क्या है, मेरी इच्छा क्या है, ये सारी बातें उन्होंने अपने एक लंबे चौड़े पत्र में लिखी है। हालांकि मुख्यमंत्री जब कांगड़ा पहुंचे तो उनकी उनसे बातचीत हुई और ये बात सामने आई है कि उनको मना लिया गया है, उनके साथ एक लंबी चर्चा हुई है और ये जो उनका पत्र है वो मीडिया में सोशल मीडिया में कैसे बाहर निकल गया इसको लेकर भी दूर उनसे बात कही गई है कि इस तरह की चीजें ना हो, क्योंकि से भी पार्टी के स्तर पर जो है पार्टी को लेकर एक नेगेटिव मैसेज आता है, तो ये सारी बातें हुई हैं। अब देखना ये होगा कि क्या RS बाली को ही वहां से मनाया जाता है चुनाव लड़ने के लिए, या फिर जो नाम चल रहे हैं पूर्व मंत्री पूर्व विधायक हैं आशा कुमारी उन पर ही, या कोई और सीनियर वहां के कांग्रेस के लीडर राजेश शर्मा है उनके नाम को लेकर चर्चा है, तो क्या इनको वहां पर कैंडिडेट के तौर पर उतारा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हमीरपुर सीट की अगर बात करें पहले से ही प्रबल चर्चाएं थी कि सतपाल रायजादा जो पूर्व विधायक हैं उनको ही चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन भी शुरू कर दिया था, लेकिन बीच में वहां पर उप मुख्यमंत्री की बेटी आशा उत्री का नाम सामने आता है, वो भी बाकायदा बाद में अपना एक वीडियो मैसेज भी जारी करती है, अपना एक सोशल मीडिया पोस्ट भी लिखती है और उसके साथ साथ मीडिया में भी कहती है कि अभी जो परिस्थितियां हमारे परिवार की हैं जो हमारे साथ अभी हुआ है क्योंकि उनकी माताजी का निधन जो है वो पूर्व में हुआ है, तो उस सदमे से उभर रहे हैं, उस परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, ये हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि मैं अभी चुनाव लड़ना नहीं चाहती हूँ, तो यही माना जा रहा है कि सतपाल रायजादा ही वहां से कैंडिडेट होंगे या फिर पार्टी हाईकमान को जो लगता है कि यहाँ से बेस्ट कैंडिडेट कौन हो सकता है तो उसको लेकर भी जो है देखना ही होगा कि उसमें पार्टी नेतृत्व तो क्या फैसला करती है। ये जो उपचुनाव होने हैं वहां अभी जो केस फंसा हुआ है और कुछ सीटों पर पहले नाम क्लियर चल रहे थे और अभी भी हैं 2 सीटें पर, खासतौर पर अगर बात करें धर्मशाला और कुटलहर की, लेकिन बाकी सीटों पर अभी चर्चाएं चल रही है कि क्या किसी को पार्टी में लाना है या फिर जो पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको जो इस वक्त उम्मीदवार हैं जिन जो उम्मीदवार जिता रहे हैं क्या उनको ही टिकट देना है, तो ये सारी चर्चाएं अभी हो रही हैं और हम कह सकते हैं कि अभी क्योंकि 7 मई को नोटिफिकेशन होनी है हिमाचल में चुनावों को लेकर, तो उससे पहले कोशिश की जा रही है कि फैसला किया जाए ताकि चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतर सके, क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो सारे प्रत्याशी मैदान में है और अब गाँव बिल्कुल, और शायद कल तक इंतजार खत्म हो जाए या फिर कुछ और दिन लग जाए। बहुत शुक्रिया प्रदीप इस पूरी चर्चा के लिए और जानकारी के लिए, और इसी बीच हिमाचल